हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभूति सार ओडिया यूट्यूब चैनल। सो पिला माने, आज आम मैथमेटिक्स रो प्रैक्टिस किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन करिबा नाही। आज आम कौन करिबा ना, टाइम एंड वर्क रो पूरा टाइम एंड वर्क रो जिते सबू जिते टाइप रो क्वेश्चन अछि सबू क्वेश्चन गुड़ा को पिला माने आज आम डिस्कशन करदबा, जहाद्वारा कि आपण मानकर ए गोटिए वीडियो रे टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो। पिला माने ए जत्ते टाइप रो टाइम एंड वर्क रो क्वेश्चन मु आज आपण मानक सहित करेबी, सेई टाइप रो क्वेश्चन ही आपण मानकर जो OSSSC पीओ आउ जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन हबो आगु कछि, सेई टाइप रो क्वेश्चन ही आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो। जदी पिला माने मु टोटल 11टा ट्रिक्स आपण मानु कहिबी, 11टा टाइप रो क्वेश्चन मु आपण मानक सहित डिस्कशन करिबी, आउ सेई क्वेश्चन गुड़ाक जदि आपण मैंने भल भाव प्राक्टिस करदे तेबे आपण मानक टाइम एंड वर्क रु जहाँ भी क्वेश्चन आसु आपण मैंने करिपर। ठीक अच्छे, तो पिला माने लेट करिबानी, चलंतु डिस्कशन करिबा। डिस्कशन करिबा पूर्वरु सबुबेले मु सबुबेले प्रथमे गोटे गोटे दिनर थॉट तम मानक कहे, तो पिला माने आज दिनर कौन रही ना, निरंतर चेष्टा एवं निज उपरे भरोसा रखुथिबा व्यक्ति केबे भी जीवन रे असफल हुए नाही। पिला माने जदि तमे प्रत्येक दिन परिश्रम करुथबो आउ तम उपरे निज उपरे निजर भरोसा थिबो जे मु निश्चिंत एई एग्जामिनेशन को क्रैक करिबी, तेबे पिला माने तमे केबे भी जीवन रे असफल होबो नाही। तेणु दुईटा जिनस पिला माने जीवन रे निहाती रखिबा दरकार, गोटे होउची पिला माने हार्डवर्क आउ गोटे हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही दुईटा जिनस हार्डवर्क आउ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ए दुईटा जिनस यदि पिला माने तुम मानक पाखरे थिबो तेबे तुम माने तुम जीवन रो जहाँ भी तुम लक्ष्य रखिछ से लक्ष्य स्थल रे तुम माने निश्चिंत पहुँच पार। ठीक अच्छे, तो पिला माने आमे आउ लेट करिबानी, स्टार्ट करिबा आज रो टाइम एंड वर्क रो कौन सब ट्रिक्स रही कौ टाइप रो क्वेश्चन आसे टाइम एंड वर्क रु से क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन कर चलिबा। ठीक अच्छे, पूरा बेसिक टू एडवांस। सो पिला माने देखंतु प्रथम क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। पिला माने ए टाइप रो क्वेश्चन जदि आसिला एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो पिला माने आमे टाइम एंड वर्क रे गोटाए मेथड यूज करिबा जोटा को कहती LCM मेथड, आठारु आउ भल मेथड किछि नाही। ठीक अच्छे, तो पिला माने ए कंप्लीट करुची गोटे 10 दिन रे गोटे काम को, बी कंप्लीट करुची 12 दिन रे गोटे काम को। ठीक अच्छे, तो पिला माने आमे एमानकर कौन करिबा LCM नै जिबा, तो पिला माने एमानकर LCM केते 60। ठीक अच्छे, तो पिला माने ए जो 60टा पाउचे एटा होची पिला माने आमर टोटल यूनिट कौन, एटा टोटल वर्क आमको 60 यूनिट रो काम करिबा को पड़िबो। ठीक अच्छे, तो पिला माने जदि ए 10 दिन रे 60 यूनिट काम कंप्लीट करुची तबे दिन को से केते यूनिट काम करिबो, 60/10 माने दिन को से 6 यूनिट रो काम करुची। जदि बी 12 दिन रे 60 यूनिट काम करुची तले गोटे दिन रे पिला माने से केते यूनिट काम करिवो, 5 यूनिट काम करिवो। ठीक अच्छे, तो पिला माने तले ए बी मिसिकरी दिन को केते यूनिट काम करचंती, 6 + 5 11 यूनिट काम करचंती। तेबे जदि दिन को से माने 11 यूनिट काम करचंती, जदि से दि जना का मिसिकी काम करिवे तले कामटी को केते दिन सारिवे ना 60/11 डेज रे, तो पिला माने 60/11 डेज को जदि मु मिक्स्ड फ्रैक्शन ने कन्वर्ट करी तो केते आसीबो 5 full 5/11 डेज। बुझी पालना नाही पिले, एटा होची सबुठारो भलो मेथड LCM मेथड रे आमे कैलकुलेट करि परिबा, नहले पिला माने आ पाई गोटे मेथड अछि गोटे क्विकर मेथड अछि फार्मूला, जदि पिला माने तमे मने रखी परिबो तेबे ए मेथड को भी कले हे जीवो। तो पिला माने कौन से मेथड ना X+Y/, माने ए जो मेथडटा पिला माने कहूची देख, माने गोटे दिन रो वर्क होची X+Y/XY, जदि से केते दिन रे A+B मिसि कामटा कंप्लीट करिवे तो पिला माने फार्मूला होची XY/X+Y।
हला एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई मैंने एक्स किए एक्स है टेन वाई किए ना ट्वेल्व तेल देख टेन इंटु ट्वेल्व के वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन प्लस ट्वेल्व ना नहीं टेन प्लस ट्वेल्व है टेन प्लस ट्वेल्व जदि पाने आम करदे के ना ट्वेंटी टू आपको जदि पाने काटद उपरे टू काटले के सिक्सटी तौक टू टू काटले के इलेवेन तो पाने से ही ना नहीं कहल आइदर तुम ये फर्मूला यूज कर ना एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड सबुठ बेस्ट मेथड। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कही पाने ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सी कहे ए प्लस बी देख सब टाइप क्वेश्चन पाने टच करी टाइम एंड वर्क टोटल 11टा टाइप क्वेश्चन टच करी ए प्लस बी 12 दिन में कामटी कम्प्लीट कर ए एलोन ए एकुटिया कामटी को 18 दिन में कम्प्लीट करुच्ची तबे इन हाउ मेनी डेज बी एलोन डू इट तो पाने किसी ना डायरेक्ट कौन कर ना तार एलसीएम बाहर कर 12 आउ 18 12 आउ 18 रो एलसीएम के हम ना 12 आउ 18 रो पाने एलसीएम के 36। ठीक अच्छे तेल जदि ए प्लस बी मिसिकी 12 दिन में 36 यूनिट कम करे दिन को सी केते यूनिट कम करे ना दिन को 3 यूनिट कम करे सरला जदि ए एकुटिया 18 दिन में 36 यूनिट कम करुच्ची तेल दिन को केते यूनिट कम कर 2 यूनिट कम करेगला तेल पाने देख ये सी कह एकुटिया केते दिन कम कम्प्लीट कर तेरे ए प्लस बी दिन को 3 यूनिट कम कर तार भितर ए करुच्ची दिन को 2 यूनिट कम तेरे बी दिन के यूनिट कम कर पिले 3 माइनस 2 मान गोटे यूनिट कम करुच्ची बी दिन को गोटे यूनिट कम करुच्ची तेल ताको 36 यूनिट कम करने को पड़ो तेरे 36 यूनिट कम करने पाने के दिन लगे 36 बाई वन माने 36 डेज लगे बुझिपारल ये हूँ पाने आपण मानकर एलसीएम मेथड थ्रु रे आम कैलकुलेट करदे। ठीक अच्छे तो पाने जदि आम यिनसटा को फर्मूला हिसाब से करवा तो फर्मूला कौच एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स है एक्स किए 12 वाई किए 18 तेल कौन है 12 इंटु 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 12। ठीक अच्छे सो पाने 12 इंटु 12 इंटु 18 देख ये रहा 12 इंटु 18 ये 18 माइनस 12 के 6 6 काटले के 2 सो 18 इंटु 2 के 36 देखले पिले आम ये फर्मूला यूज करके भी 36 पाइले एपटे एलसीएम मेथड थ्रु भी 36 पाइले क्लीअर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले नेक्स्ट क्वेश्चन पिले रहिला 10 पर्सन्स कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज वर्किंग 12 आवर्स पर डे मान से कह 10 जन लोक है 12 दिन रे दिन को 12 घंटा लेखा परिश्रम करी 20 टी टॉय तैयारी करुछंती हैला देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर्स पर डे केते दिन रे 24 जन लोक 16 घंटा दिन को काम करी 32टा टॉय करिवे तो पाने टाइप रही हेले आई गोटे फर्मूला अच्छी मन रखिब एम वन डी वन टी वन डब्लू टू इक्वल्स टू एम टू डी टू टी टू डब्लू वन यही फर्मूलाटा को मन रखिब माने एम किए एम हैला पर्सन बुझिपारल तापरे डी किए ना डी हैला डेज सरला टी किए पिला माने ना टाइम हैला दिन केते घंटा परिश्रम करचंती आउ डब्लू किए पिला माने केते दिन को से वर्क करचंती काम करचंती माने ये 20 टा टॉयस कला बेले ये 32 टा टॉयस करूछ तेबे पिला माने जदि मु एठी कहबी एम वन किए ना एम वन हैला 10 हैला पिला माने मु जदि कहबी एठी जो डी वन किए ना डी वन हैला 12
मुकैबी टी वन किए ना टी वन हला 12 सरला आउ डब्ल्यू वन किए पिला मने ना 20 सिमिलरली एम टू किए ना एम टू होची 24 डी टू किए जाणिने कैलकुलेशन करिबा टी टू किए ना 16 आवर आउ डब्ल्यू टू किए ना डब्ल्यू टू होची 32 ठीक अच्छे। तो पिला मने एही फॉर्मूला पकेई दबा आमको डी टू बाहर करिया दरकार ताले ए जो एम टू टी टू डब्ल्यू वन ये आसिक डिवाइड हो जाए ताले डी टू कौन हम ना एम वन वैल्यू होची 10 डी जो डी वन वैल्यू होची 12 टी वन वैल्यू होची 12 आउ डब्ल्यू टू वैल्यू होची पिला मने केते 32 डिवाइडेड बाय एम टू वैल्यू केते 24 डी टू वैल्यू जाणिने टी टू वैल्यू होची 16 डब्ल्यू वन वैल्यू होची पिला मने केते ना 20। तो पिला मने एही फॉर्मूला को आमे 16 ने काट दबा केते हला 2 10 ने काट देले केते हला 2 2 2 कटि गला 12 रे काट देले केते हला 2 2 को 12 रे काट देले केते हला पिला मने 6 बुझि हला ताले केते दिन रे कंप्लीट हबो 6 डेज रे। एही फॉर्मूलाटा को मन रखिबो एही फॉर्मूलाटा सब बेले तमरे एही टाइप रो क्वेश्चन आसीओ माने एही फॉर्मूला को यूज करिबो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज जहा देछि ता खाली लिखि दियो ए प्लस बी 3 दिन रे सरचंती बी एंड सी सेही वर्क को 9 दिन रे ताले बी प्लस सी केत दिन कंप्लीट करचंती 9 डेज रे सी एंड ए केत दिन कंप्लीट करचंती 12 डेज रे ताले सी प्लस ए करचंती 12 डेज रे सल्ला से पचारचि कोन फाइंड द टाइम इन व्हिच ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर ए बी सी मिसिकरी काम टू केत दिन सारिबे। तो पिला माने किछि नै आखि बुझी कि एलसीएम बाहर करो ताले एलसीएम बाहर करले केत हो 36 ताले ए प्लस जदि ए प्लस बी 3 दिन रे 36 यूनिट काम करचंती ताले दिनु केते यूनिट काम करिए 12 यूनिट 36 बाय 3 ताले बी प्लस सी दिनु को 4 यूनिट काम सी प्लस ए दिनु को 3 यूनिट काम करि हे गला बुझि पारलो। ताले पिला माने जदि हमें एटा को ऐड कर दबा एटा को ऐड कर दबा ताले पाइबा 2 इनटू ए प्लस बी प्लस सी दिनु को केते यूनिट काम करचंती 4 3 7 12 7 19 केते यूनिट काम करचंती 19 यूनिट काम करचंती ताले देख दीटा ए प्लस बी प्लस सी दिनु को 19 यूनिट काम करचंती दुईटा दुई जन लोक ताले जदि जणे करिवो ए प्लस बी प्लस सी करिवो तेबे से केते यूनिट काम करिवे हला ए जदि दुईटा ए प्लस बी प्लस सी दिनु को 19 यूनिट काम करचंती ताले जणे करिवो माने केते दिनु को केते काम करिवो ना तार अधा काम करिवो एतिक 19 बाय 2 यूनिट काम करिवो ताले जदि ए प्लस बी प्लस सी दिनु को 19 बाय 2 यूनिट काम करचंती ताले 36 यूनिट करिया पई केत दिन लागिवो 19 बाय 2 लेखिले 2 टा ऊपर पळेवो ताले केते हला 72 बाय 19 हला। जदि पिला माने आमे 72 बाय 19 कु जदि मिक्स्ड फ्रैक्शन ने कन्वर्ट कर दबा तो केते आसी जे पिला माने 3 फुल 15 बाय 19 डेज हला बुझी पारलो। सबु जांको पिले एलसीएम मेथड थ्रू रे करिवो आर बी पिला माने फॉर्मूला अछि ए फॉर्मूला को पुट करले भी एति के आंसर पाइबो कोन ना 2 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ए फॉर्मूला को भी पिला माने जदि पुट करूच तबे तमे भी एति के आंसर पाइबो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले पचारि छी इफ 16 मेन हेला इफ 6 मेन और 8 वोमेन कैन रीप ए फील्ड इन 8 6 डेज माने से कहो छे 6 जन लोक बा 6 जन मेन बा 8 जन स्त्री लोक गोटे गोटे फील्ड केते दिन रे ये करचोती ना 86 डेज रे माने 6 मेन टा 8 वोमेन संगे रे समान ताले 14 मेन एंड 10 वोमेन कैन टेक टू रिपीट केत दिने करिवे
ତେବେ ପିଲା ଦେଖ, ଯଦି 6 ଜଣ ଲୋକ, 6 ଜଣ ପୁରୁଷ 8 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ତାହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବ? 8-6 ଓମେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ତେବେ 14 ଜଣ ମେନ୍ ହେଲା, 14 ଜଣ ମେନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ? ତାହେଲେ 8/6 ଇଣ୍ଟୁ 14 ହେଲା। ସୋ ପିଲାମାନେ ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 2ରେ କାଟିଦେଲେ 4, ଆକୁ 2ରେ କାଟିଦେଲେ 3, ମାନେ କେତେ ହେଲା? 56/3 ଓମେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି 56/3 ଓମେନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି 14 ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ 10 ଓମେନ, ତାହେଲେ 14 ମେନ୍ଟା କେତେଟା ଓମେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଗଲା? 56/3 ଓମେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଉଛି 10 ଓମେନ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା, ଏଲସିଏମ୍ ହେଲେ 3 ହେଲେ 56, ଇଏ ହେଇଯିବ 30, 86/3 ଓମେନ। ବୁଝିପାରିଲ? 86/3 ଓମେନ, କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ 86/3 ଓମେନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କହିବା କଥା ହେଉଛି 8 ଜଣ ଓମେନ 86 ଡେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଓମେନ ନିହାତି ଅଧିକା ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, 86/8 ଡେଜ୍ରେ କରିବ। ତାହେଲେ 86/3 ଓମେନ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ନା, 86/3 ହେଲେ 3ଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ 86/86 କଟିଯିବ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 8 × 3, 24 ଡେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ? କ୍ଲିଅର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପଚାରିଛି, କମଲ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 15 ଡେଜ୍। କମଲ ଗୋଟେ କାମକୁ 15 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି। ବିମଲ ଇଜ 50% ମୋର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେନ୍ କମଲ। ବିମଲ କୋମଲ ଠାରୁ 50% ମୋର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତେବେ ତ ପିଲେ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ନା, ଦେନ୍ ଫାଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ବାଏ ବିମଲ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ନା, ଯଦି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନା ଯଦି ଆମର ଏଠି ଯଦି ସିଏ କହୁଛି ବିମଲ କମଲ ଠାରୁ 50% ମୋର ଅଧିକା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ବିମଲ ଗୋଟେ କାମକୁ 2x ଡେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ଏଇଟା ବିମଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ କମଲ କେତେ ଦିନେ କରିବ? ନା, କମଲ 3x ଡେଜ୍ରେ କରିବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ 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 ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? 3x'ଟା ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? ନା, 3x'ଟା ଦେଇଦେଇଛି 15। ସୋ x'ଟା କେତେ? 15/3 ମାନେ 5। ତାହେଲେ 2x'ଟା କେତେ? 2 × 5 କେତେ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା? 10 ଡେଜ୍। ତାହେଲେ ବିମଲ କେତେ ଦିନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ? 10 ଡେଜ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ବହୁତ ଇଜି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିଅର ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପଚାର? କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଇଫ୍ 5 ମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 2 ଡେଜ୍। 5 ଜଣ ଲୋକ ହେଲା, 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ବଏଜ 5 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସିଏ ପଚାରିଛି, ଦେନ୍ ଫାଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ ବାଏ 10 ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ବଏଜ୍। ହେଲା, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ 3 ଜଣ ବଏଜ ସେ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୁହ, ସିଏ କହୁଛି ଯେ 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? 10 ଦିନରେ ସାରିବ ନା ନାହିଁ? କ୍ଲିଅର? 3 ଜଣ ବଏଜ ଯଦି 5 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ବଏଜ କେତେ ଦିନେ କରିବ? 15 ଦିନରେ କରିବ। ହେଲା, ସରିଲା? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜଣେ ମେନ୍ 10 ଦିନରେ କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ମେନ୍ କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବେ। ହେଲା, ଯଦି ଜଣେ ବଏଜ ହେଲା
ଜଣେ ବଏଜ ଯଦି 15 ଦିନରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ବଏଜ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 5 ଦିନରେ, 5 ଦିନରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଜଣେ ମେନ୍ 10 ଦିନରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, 10 ଜଣ ମେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ? ନା, 10 ଜଣ ମେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ମେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ, 10 ଜଣ ମେନ୍ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ନା, ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଇଏ ଜଣେ ବଏଜ 15 ଦିନରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ବଏଜ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ? 5 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତାହେଲେ ମୋତେ, ମୋର ଦରକାର ହେଉଛି, ଇଏ ଇଏ ଦିନେ କରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ଇଏ 5 ଦିନରେ କରୁଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି ମିଶିବେ, ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ, 10 ମେନ୍ ଆଉ 3 ବଏଜ କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ, 6 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। 6 ଦିନରେ କରିବେ ମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ୱାନ୍ ଇଏ କରିବ 1 ଡେରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ, ଇଏ 5 ଡେରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବି, ଦେଖ 10 ଜଣ ମେନ୍ କାମଟିକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, 10 ଜଣ ମେନ୍ 1 ଡେରେ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ମେ 3 ଜଣ ବଏଜ 5 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେଲା? 5। ତାହେଲେ ଇଏ ଦିନକୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିବ? ଇଏ ଦିନକୁ 5 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିବ। ଇଏ ଦିନକୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିବ? 1 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଏ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଦିନକୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 6 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 5 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 5/6 ଡେଜ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଇଗଲା, କ୍ଲିୟର? ଏଲସିଏମ୍ ମେଥଡ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, 12 ଜଣ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ 16 ବଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିନିଶ୍ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 5 ଡେଜ୍। ହେଲା, ୱାଇଲ୍ 13 ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ 24 ବଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିନିଶ୍ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 4 ଡେଜ୍। ତାହେଲେ କମ୍ପେୟାର ଦ 1 ଡେଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ 1 ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ବଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବନି। ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି YB2 ମାଇନସ୍ XB1, ହେଲା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ XA1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ YA2। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି A1 A2 କିଏ, B1 B2 କିଏ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି A1 B1 କିଏ? ନା, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ A1, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କିଏ, ନା B1। କ୍ଲିୟର? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ X ଡେଜ୍। ସରିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି A2, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ B2, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ Y। ତେବେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ତମେ ପକେଇ ଦବ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ, ତାହେଲେ YB2 Y ମାନେ କେତେ, 4, B2 ପିଲାମାନେ କେତେ, 24, ମାଇନସ୍ X ପିଲାମାନେ କେତେ, 5, B1 କେତେ, 16, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ X ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, 5, A1 କେତେ, 12, ମାଇନସ୍ Y ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପିଲାମାନେ, 4, A2 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, 13। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ସଲ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବ କେତେ, 2/1, 2/1 ବା 2। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? 1 ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ 1 ବଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସିଓଟା ଆସିଯିବ, 2:1। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆସିଲା, ୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖି, ହ୍ୱେନ୍ ଏକ୍ସ ଏ ଲୋନ୍ ଡଜ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ହି ଟେକ୍ସ 16 ଡେଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ X+Y ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାଇ ଏ ଲୋନ୍ ଟେକ୍ସ 9 ଡେଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ X+Y ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଟୁଗେଦର ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ, X+Y ସେ କହୁଛି X+Y ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ AB। ହେଲା, ଏ କିଏ, ନା ଏ ହେଲା 16, ବି କିଏ 9, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମାତ୍ର 2-3ଟି ଫର୍ମୁଲା କହିଲେ, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିବ କେବଳ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 16 × 9, 16 × 9 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, 144, 144 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ,
ना 12। तो पिला मन आर आंसर केते हि जीवो 12 इज द राइट आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए गोटे काम को 10 दिन रे कंप्लीट करूची, बी गोटे काम को पिला माने एटा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाईची लेखिबार टिके भूल हेची, बी होची 15 दिन रे पिला माने कामटी कंप्लीट करची हैला। से कहूँ दे बिगेन टुगेदर बट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लिव्स अप। तले पिला माने किछ ने फास्ट एति देची माने आगे तार एलसीएम बाहर कर। एलसीएम केते हला 30, तले ए रो केते हला 3 यूनिट, बी रो केते हला 2 यूनिट, सरी गला हला। अच्छा ए दिन को 3 यूनिट काम करची, बी दिन को 2 यूनिट काम कर। से कहूँ काम सरबार 5 दिन पूर्व बी छाड़ दो, ताले से ए जो 5 दिन टाक किए करिवो पिला माने ए करिवो। ताले ए 5 दिन रे केते काम करूची 5 डेज रे 3 × 5 माने 15 यूनिट काम कर दउची, माने 15 यूनिट काम गले आउ रहला केते 15 यूनिट। ए 15 यूनिट टा किए करचंती पिला माने ए बी मिसिकरी करचंती, ताले ए बी मिसिकी दिनु केते यूनिट काम करचंती 5 यूनिट काम करचंती। ताले 15 यूनिट काम करयो त केते दिन लागिवो 15 × 5 ये कहते 3 दिन लगे। तले ये पिला माने एठ एकुटिया 5 दिन करी ए बी मिसी के 3 दिन कर तले टोटल के दिन हैला 5 + 3 8 डेज काम 8 डेज रे कामटा कंप्लीट हो सरला। केते इजी देख लो खाली क्वेश्चन बुझिले हो गला, एलसीएम मेथड पकई दबा आंसर ऑटोमेटिक पळे आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पिले रहिची ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 40 डेज एंड 50 डेज रेस्पेक्टिवली। माने सीए कहूँ पिले ए गोटे काम को 40 दिन में करुच, बी गोटे काम को 50 दिन में करुच सरला। एतिक जिनस देखे देला माने आगे पिले कौन कर तना एलसीएम बाहर कर। एलसीएम केते हबो पिला माने कहिल 40 या 50 रो एलसीएम केते हबो 200। तले 200 हेले ए दिनु केते यूनिट काम करिवो ना 5 यूनिट काम करिवो, बी दिन केते यूनिट काम कर 4 यूनिट काम कर सरला। बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर ए सर्टन टाइम ए लिव्स अप, किस दिन पर ए छाड़ी पड़ोस। इन दिस केस बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, जो रिमेनिंग वर्क रोच बी ताको कंप्लीट करछि। तले केते दिन रे बी कंप्लीट करछि 20 डेज रे करछि, तले बी रो 20 डेज वर्क केते, बी दिन को जदि 4 यूनिट काम करछि तले 20 डेज रे 80 यूनिट काम करिवो। तले 80 माइनस कर दियो आउ रहला केते 120। से कह चैप्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, केते दिन रे ए पळेला। तले ए जो 120 यूनिट काम टाकु किए करचंती, बी आउ ए आउ बी मिसी करचंती। तले ए काम टा से केते दिन कंप्लीट कर करचंती 120 बाय ए हला 5 + 4 9। तले पिला मन आकु जदि मु सॉल्व करूची ऊपर को 3 रे काटले 4 40/3 ना नहीं 40/3 टाकु पिला मन जदि मु मिक्स फ्रैक्शन ने कन्वर्ट कर दउची 13 full 1/3। तले ई 13 full 1/3 डेज रे दे दिन दिन रे कोन होची ए छाड़ी के पड़ोच हे गला। तो पिला माने मु गारंटी दे कि कहूची एई जो 11टा टाइप रो क्वेश्चन तम मानन सहित मु डिस्कशन करली सेई 11टा टाइप रो क्वेश्चन आरी एति की भितर क्वेश्चन ही तम माने जो पीओ जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन अछि एई टाइप रो क्वेश्चन तमे पाइबो निश्चिंत। जदि एति क्वेश्चन तम माने भलो भाबे बुझिच प्रैक्टिस करछ मु भी आर प्रैक्टिस क्वेश्चन के तुमको मो टेलीग्राम चैनल ले दे देबी, तुम माने प्रैक्टिस करिवो। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन ने दिया है छि, तुम माने मो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करले मु तुम मानको मोर ए जो टाइम एंड वर्क रो प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन देबी। से गुडा को पिला माने समस्त प्रैक्टिस करिवो, टाइम एंड वर्क रो जहां भी क्वेश्चन आसीबो तुम माने करि परि। ठीक अछि तो पिला माने जदि आजिर क्लास तुम मानको भलो लागिछि निश्चिंत मात्रा रे वीडियो को लाइक शेयर करिया को भूलिबो नै और चैनल को सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनि। ठीक अछि तो पिला माने पुणी देखा बा आसंता काली आउ गोटे नुवा टॉपिक आ गोटे गोटे दिन रे टोटल सब गोटे गोटे टॉपिक सरिबो। आपण मानकर जहां भी पीओ आ जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन नो सिलेबस अछि मो टोटल कंप्लीट करबी गोटे गोटे दिन रे। ठीक अछि तबे पिला माने आजि पई क्लास एति की पुणी पिला माने काली आसंता काली आउ गोटे नुआ टॉपिक आपण मानक पई नै कसि। तबे क्लास को एंड करूची, थैंक यू।